कमिश्नर, हैदर अली वो मुसलमान है जो इस वर्दी के बगैर भी अपने मुल्क, अपने वतन के लिए जान दे सकता है। ये आपने बहुत गलत किया सर। देशद्रोही की कोई जात नहीं होती, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान। सिर्फ मेरा राजपूत या आपका ब्राह्मण होना हमारी देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। ऐसी घटिया कम्युनल सोच सैकड़ों हैदर अली जैसे मुसलमान नौजवानों को इस देश से दूर गलत रास्तों पर ले जाती है। तुम समझते क्यों नहीं, ये फैसला यहां नहीं, होम मिनिस्ट्री और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दफ्तर में होता है। अगर हिम्मत है तो जो तुमने मुझसे कहा है वो वहां जाके कहो। अगर आपके सीनियर्स आपको बुला के ये कहें कि क्योंकि आप सरदार हैं आप खालिस्तानी आतंकवादियों का साथ देंगे और आपका ट्रांसफर पंजाब से किया जाता है तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगता। सर, जब आपको सिख टेरर से लड़ने से नहीं रोका गया तो फिर हैदर अली खान को मुसलमान आतंकवादियों और ISI एजेंट से लड़ने से क्यों रोका जा रहा है? बगैर किसी गवाह या सबूत के सिर्फ जाति को ही शक की बुनियाद मानना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर्म प्रधान है, बेस्ट मैन फॉर द जॉब, धर्म प्रधान नहीं। सर, हैदर अली खान वो सिपाही है जो अपनी वर्दी पर लाखों पेबंद लगा सकता है मगर दाग कभी नहीं लगने देगा। योर ऑनर, ये वो अर्जुन राणावत है जिसे लोग मुंबई का शेर कहते हैं। माफिया वालों का तो सिर्फ इसका नाम सुनकर मुंह निकल जाया करता था। जज साहब, ये वो अर्जुन राणावत है जिसके कारण अंडरवर्ल्ड वाले ये शहर तो क्या मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। योर ऑनर, अगर पुलिस फोर्स में अर्जुन और हैदर अली जैसे ऑफिसर्स नहीं होते ना तो ये माफिया वाले पुलिस को अपना तल्ला और मुंबई शहर को अपना चकला बना चुके होते। मगर ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि अपना फर्ज निभाते हुए एक को बदनामी की मौत मिली और दूसरा इस कटघरे में खड़ा है।